हेलो, आवाज़ आ रहा है क्या आप लोग? गुड आफ्टरनून सभी, गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रहा है मेरा आप लोग को? राजबीर, यस सर। प्रभा जी सर। काजल, गुड आफ्टरनून। अनिल, यस सर। सतीश, यस सर। संदीप, यस सर। आवाज़ क्लियर आ रहा है आप लोग को? वंदना जी सर। सभी का आवाज क्लियर है ना? स्टार्ट करें क्लास। संदीप जी सर, चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कविता जी सर, देखिए लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संगीता यादव जी सर, अब कमेंट कोई भी नहीं करेंगे। ठीक है, मुस्कान, कविता, कृष्ण बंसल, संगीता, कविता, संदीप, ऑडियो वीडियो क्लियर है सर जी? चलो ठीक है। अनिल, यस सर। देखिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वो ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टार फिश। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टार फिश, मतलब सितारा मछली, जो स्टार फिश होता है जिसको लोग जानते होंगे। ठीक है, तो सितारा मछली में हम लोग पढ़ने वाले हैं जल संवहन तंत्र। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सितारा मछली में जल संवहन तंत्र या वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे कभी टीवी में देखे होंगे, ठीक है, या मोबाइल में कभी देखे होंगे कि स्टार जो फिश होता है कुछ आप लोग को इस प्रकार का दिखाई देता है। ये देखिए, ये आप लोग का है क्या, स्टार फिश, जो आप लोग का स्टार जैसा शेप में दिखाई देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार फिश। ये स्टार शेप का दिखाई देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार फिश। ये पांच भुजा युक्त होता है। कितने भुजा युक्त होता है, पांच भुजा युक्त क्या होता है, जीव होता है, जो समुद्री जीव होता है। ठीक है, समुद्री जलीय जीव होता है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, सबसे इस कड़ी में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्या चीज के बारे में, इसका हम लोग थोड़ा देख लेते हैं सिनॉप्सिस, मतलब रूपरेखा हम लोग देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन आता है आप लोग का 10 मार्क्स का आता है। कितने? 10 मार्क्स का आता है। और बीच बीच से इसी क्वेश्चन में कहीं कहीं से जो आप लोग का जैसे मेडली प्रोवाइड हो गया, रिंग केनाल हो गया या ट्यूब फिट हो गया, उसको कट करके शॉर्ट नोट्स में 5 मार्क्स, मतलब 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले रूपरेखा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग पहले इसका सिनॉप्सिस थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला हो जाएगा हम लोग का इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा डेफिनेशन, तीसरा हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार फिश, चौथा हम लोग देखेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टार फिश, मतलब आप लोग का जल संवहन तंत्र किसमें, सितारा मछली में या स्टार फिश में। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इसके सब पार्ट्स होते हैं। जैसे कि देखो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं स्टार फिश में, मैग्रीफोराइड, मैग्रीफोराइड केनाल, या इसी को हम बोलते हैं स्टोन केनाल, फिर रिंग केनाल होता है, टाइगमेंट बॉडीज होता है, रेडियल केनाल होता है। उसके साथ साथ आप लोग के और भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लेटरल केनाल, पोलियन वेसिकल्स और टिप फ्यूट। ये सभी क्या है आप लोग के, इसके पार्ट्स होते हैं। किसके? आप लोग के स्टार फिश के सभी क्या है आप लोग के, भाग हैं या पार्ट्स हैं, जो क्या करते हैं आप लोग के जल संवहन तंत्र में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कंक्लूजन, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिफरेंस। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है, यस या नो, जल्दी से। फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे जल्दी से। ठीक है, संदीप, कविता, संगीता, कृष्ण बंसल, संदीप, अनिल, कविता, सतीश, काजल, संगीता, आशीष। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, तो मतलब आप लोग का आइडिया और वीडियो दोनों क्लियर है ना? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो आप लोग ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सुरेंद्र, यस सर, क्लियर है। चलो देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब इसका हम लोग प्रस्तावना को हम सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, क्या प्रस्तावना? ठीक है, अनिल सर, कौन से पेपर का है ये, फर्स्ट या सेकंड का है? ठीक है, उसको हम लोग बाद में बताएंगे, आप लोग देख भी सकते हैं सिलेबस में, आप लोग को बता दूंगा मैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो देखिए हम लोग देखने वाले हैं क्या, पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए सितारा मछली है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार फिश, एक प्रकार का समुद्री जीव होता है। तो कैसा जीव होता है, हम लोग ध्यान रखेंगे, ये समुद्री जीव है, मतलब ये समुद्र में पाए जाने वाला जीव होता है। ठीक है, जो सितारा के समान दिखाई देता है, सितारा मतलब ये स्टार के समान दिखाई देता है। कैसा? स्टार के समान, जैसा आप लोग देखते हो ना स्टार,
रात में जो दिखाई देता है स्टार, कुछ उसी प्रकार का दिखाई देता है। कैसा? स्टार के समान दिखाई देता है, स्टार के समान। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सितारा मछली या स्टार फिश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि स्टार के समान दिखाई देता है। सितारा मछली पंचभुजा युक्त होता है, ठीक है, क्या होता है, पंचभुज युक्त जीव होता है, मतलब पांच भुजा युक्त। आप लोग देख सकते हैं आप यहाँ पर कि कितना भुजा आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पांच भुजा दिखाई दे रहा है, ठीक है, कितना भुजा दिखाई दे रहा है, पांच, देखो एक दो तीन चार पांच, ठीक है। तो ये क्या होता है आप लोग का, पंचभुजा युक्त क्या होता है, जीव होता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, सितारा मछली में जल संवहन तंत्र हाइड्रोलिटिक दाब द्वारा होता है। अब ये हाइड्रोलिटिक दाब क्या होता है, जैसे कि हाइड्रो का मतलब, इस वालों को तोड़ने का प्रयास करें किसको, तो ये हाइड्रो से बना है, किससे, हाइड्रो और प्लस लिटिक, तो ठीक है। तो हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ठीक है, तो वाटर होता है, किसका मतलब, हाइड्रो का मतलब होता है आप लोग का वाटर होता है, ठीक है, एक सेकेंड, हाइड्रो मतलब क्या होता है आप लोग का, वाटर होता है, ठीक है, क्या होता है, वाटर मतलब जल में जो प्रेशर, ठीक है, जल के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होता है या उत्पन्न होता है, ऐसे प्रेशर या दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक प्रेशर, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक दाब कहते हैं, जो जल के द्वारा होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये रहा आप लोग का स्टार फिश, ये क्या है आप लोग का स्टार फिश। तो इसके शरीर में ना, इसके शरीर जो होता है उसमें ये क्या होता है, नलीनुमा संरचना होता है, अधिकतर ये क्या होता है, नलीनुमा। जैसे कि आप लोग को मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर डायग्राम एक, ठीक है, इसका जो क्या है आप लोग का जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, देखिए इसमें आप लोग कभी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये जो पीला पीला आप लोग को दिख रहे हैं सभी नली नली दिख रहे हैं, केनाल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, केनाल। तो इसका शरीर होता है ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे केनाल पाए जाते हैं, मतलब क्या पाया जाता है, नली पाया जाता है, क्या पाया जाता है, नली, ठीक है। और इस नली में क्या होता है, जब पानी बहता है, जब क्या होता है, पानी इसमें प्रवेश करके जब बहता है तो उसके भित्ति से, ठीक है, इसके नली की जो भित्ति होता है उसमें क्या होता है, दबाव उत्पन्न होता है, क्या, दबाव उत्पन्न, ठीक है। या आप लोग का जो ये मेजरीपुराइड होता है, देखो यहाँ पर देखोगे आप लोग मेजरीपुराइड, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है मेजरीपुराइड, तो यहाँ पर एक आप लोग को थोड़ा सा चपटा, गोल चपटा संरचना दिख रहा है, थोड़ा जूम करके आप लोग मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, ये देखिए ये क्या है आप लोग का, ये है मेजरीपुराइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये आप लोग का स्पंज जैसे कार्य करता है, स्पंज समझते हो, जैसे कि आप लोग क्या कहना चाहिए, कोई गद्दा होता है, गद्दा में एक हल्का सा दबाने से क्या करता है, पानी को सोख लेता है, फिर छोड़ोगे तो फिर से वो क्या नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। कुछ स्पंज कहने का मतलब क्या कहना चाहिए, कुछ चीज को दबाने से उसमें पानी निकल जाएगा, छोड़ोगे फिर पानी को सोख लेगा, समझते हो ना, इस प्रकार का कुछ कहना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, किसमें, ये जो मेजरीपुराइड होता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आप लोग के, इसके अंदर में कुछ सिलिया, देखो मान के चलो ये आप लोग का क्या है, गोल संरचना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्या है, सिलिया पाए जाते हैं, सिलिया मतलब ऐसे क्या कहना चाहिए, बालनुमा संरचना। ये क्या करता है, जब ये नीचे की ओर ऐसे गति करेंगे तो इसमें पानी अंदर की ओर घुसता है, क्या करता है, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं ना करके, तो क्या होता है आप लोग का, सांस अंदर जाता है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार से आप लोग का जो मेजरीपुराइड होता है ना, वो भी क्या होता है, इसमें एक दबाव उत्पन्न हो जाता है, हाइड्रोलिटिक जिसको बोलते हैं, जल के द्वारा क्या होता है, दबाव उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं ना पानी में घुले हुए, उसको क्या करता है, ये ग्रहण कर लेता है, कौन आप लोग का, जो क्या होता है, स्टार फिश होता है, जो सितारा मछली होता है, क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, पानी में जो घुले होते हैं भोज्य पदार्थ, उसको ये मेजरीपुराइड के द्वारा क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। हम लोग आगे डिटेल से बात करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे जल्दी से, यस या नो, जल्दी फिर हम लोग आगे चलेंगे। कृष्ण मंसल, यस सर, आशीष, यस सर, ठीक है। तो देखो जो मैं क्या बोला, हाइड्रोलिटिक मतलब क्या, जल के द्वारा जो दबाव उत्पन्न होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक दाब कहते हैं, प्रेशर करते हैं, ठीक है। आशीष, काजल, सतीश, राजवीर, ठीक है, संगीता, यस सर, देखो तो हाइड्रोलिटिक प्रेशर मतलब क्या होता है, जो जल के द्वारा, संदीप, ठीक है, ओके सर, देखो जल के द्वारा जो प्रेशर होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिटिक प्रेशर, ठीक है, जो किसमें लगता है आप लोग का, स्टार फिश या सितारा मछली में उत्पन्न होता है, ठीक है। देखो अनिल सर, देखो जिसके द्वारा जल में उपस्थित जो भोज्य पदार्थ होते हैं ना, इस दबाव के कारण क्या होते हैं, मेजरीपुराइट के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं। तो मैं जैसे कि आप लोगों को बताया भी था अभी कुछ देर पहले डायग्राम में, कि जो आप लोग का क्या होता है, हाइड्रोलिटिक जो प्रेशर होता है ना,
इसी कारण क्या था, जो भोज्य पदार्थ होते हैं कि इसमें जो पानी में जो घुले हुए भोज्य पदार्थ होते हैं मेड्रीपुराइट के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। तथा सितारा मछली में जल संवहन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना होता है। क्या होता है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना, तथा उसके साथ साथ श्वसन तथा प्रचलन में भी सहायता करता है। ठीक है, क्या करता है आप लोग का, श्वसन तथा प्रचलन में क्या करता है, सहायता करता है। कौन करता है, देखो हम लोग अगर बात करें इसका क्या महत्व है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं किसको, आप लोग का संवहन तंत्र को, जल संवहन तंत्र को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो सितारा मछली होता है ना उसमें इसका क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। तो इसका जो महत्व है क्या करता है, पहला चीज तो हम लोग का जो भोज्य पदार्थ होता है ना उसको ग्रहण करता है इसके द्वारा। दूसरा है क्या करता है, श्वसन में भी सहायता करता है। और जो तीसरी बात है वो क्या करता है, प्रचलन में सहायता करता है। प्रचलन मतलब लोकोमोशन में, ठीक है, उसको गति करने में क्या करता है, सहायता करता है। किसको, तो स्टार फिश को। ये था आप लोग का थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, स्टार फिश के बारे में। और एक चीज इसमें मिसिंग है उसका आपको बता दे रहा हूं मैं, यहाँ पर मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या चीज आप लोग ऐड कर लेंगे कि इसमें जो क्या होता है आप लोग का, फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है ना, निषेचन वो किसके द्वारा होता है, तो इसमें जो निषेचन होता है वो एक्सटर्नल प्रकार का होता है, एक्सटर्नल टाइप का। मतलब है इसमें भी जो निषेचन होता है ये बाह्य प्रकार का होता है, जिस प्रकार से हम ओवेलिया में देखे थे ना कि जो निषेचन होता है वो बाह्य प्रकार का होता है, इसमें भी जो निषेचन होता है कैसा होता है, वो बाह्य प्रकार का होता है। तो ऐड कर सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता दे रहा हूं, क्योंकि जल में ही क्या करता है अपना स्पर्म और ओवम को, मतलब मेल और फीमेल गैमेट को क्या करता है, रिलीज करता है, और जिससे क्या होता है, निषेचन होता है। तो ये था आप लोग का इंट्रोडक्शन, समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई डाउट है इतना तक बताओ, किसी को डाउट है तो फिर हम आगे चलेंगे। समझ में आ रहा है, यस या नो, जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब तो हम लोग आगे देखने वाले हैं, कितना लोग आप जो अभी लाइव हो, 16 लोग लाइव हो ना, आशीष, यस सर, राजवीर, यस सर, काजल साहू, नहीं कोई डाउट नहीं है ना, चलो ठीक है, कविता, सतीश, यस सर, आ रहा है, चलो ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं परिभाषा, ठीक है, आप लोग ध्यान समझेंगे ना, समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोग को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। संदीप, यस सर, चलो ठीक है, देखिए, कृष्णा, संगीता, यस सर, मुस्कान, यस सर, ठीक है। तो देखो अब कमेंट कोई भी नहीं करेंगे ना, अब समझने का प्रयास करेंगे पहले कि क्या होता है। देखो हम लोग देखने वाले दूसरा डेफिनेशन या परिभाषा, हम लोग किसका परिभाषा देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग किसका परिभाषा देख रहे हैं, स्टार फिश में हम लोग जो जल संवहन तंत्र पढ़ रहे हैं, क्या, जल संवहन तंत्र। तो जल संवहन तंत्र क्या होता है हम लोग उसको पढ़ेंगे, मतलब समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार फिश में, ठीक है, समुद्री जल में उपस्थित स्टार फिश, ठीक है, जो समुद्री जल में जो उपस्थित होता है भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए संवहन माध्यम पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग परिभाषा किसके पढ़ रहे हैं, जल संवहन तंत्र का परिभाषा हम लोग देख रहे हैं। तो क्या होता है, समुद्री जल में उपस्थित जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो फूड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, ग्रहण करने के लिए एक संवहन माध्यम पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल संवहन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा इसका परिभाषा था, आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका परिभाषा, किसका, जल संवहन तंत्र का, ठीक है। तो जलीय संवहन माध्यम पाया जाता है भोजन ग्रहण करने के लिए, क्या होता है यहां पर लिख सकते हैं आप लोग, जलीय संवहन माध्यम, कौन सा माध्यम, जलीय संवहन माध्यम पाया जाता है, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, जल संवहन तंत्र कहते हैं। हो गया इसका परिभाषा, ठीक है, हम लोग आगे अब बात करने वाले हैं इसके। 16 लोग लाइव है ना, चलो ठीक है, और लाइक 4 ही है, लाइक तो कर ही सकते हो जी, चलो ठीक है। देखो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं अगला क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार फिश, ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार फिश, ठीक है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, सितारा मछली का वर्गीकरण, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो कॉमन स्टार फिश जो होते हैं उसे अगर हम लोग किंगडम की बात करें, किंगडम मतलब जगत, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, किंगडम को हम लोग जगत बोलते हैं, ठीक है, जगत। तो कौन सा किंगडम से बिलोंग करता है स्टार फिश, तो एनिमेलिया से करता है, ठीक है, किससे, एनिमेलिया से क्या करता है, बिलोंग करता है, मतलब एनिमेलिया किंगडम का ये क्या है, जीव है, कौन, आप लोग का स्टार फिश, ठीक है, या सितारा मछली जिसको आप लोग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और फाइलम देखो, ये फाइलम कौन सा है, मतलब संघ कौन सा है, इसका हम लोग अगर संघ की बात करें, इसका संघ क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो संघ होता है जीव जगत में वो कितना होता है, जंतु जगत में आप लोग का 11 होता है, ठीक है। तो ये कौन सा जगत का है, इकाइनोडर्मेटा का है, ठीक है। अगर हम क्लास की बात करेंगे तो एस्टेरॉइडा होता है, इसका जो क्लास होता है वो क्या होता है आप लोग का, एस्टेरॉइडा हो जाएगा,
ठीक है, मतलब किंगडम देख लिए एनिमेलिया, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, क्लास एस्टेरॉइडा। अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब होता है गण, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं गण, और क्लास को क्या बोलते हैं वर्ग, ठीक है, क्या बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। तो गण क्या हो जाएगा इसका, फोर्सीपुलेटा, क्या हो जाएगा फोर्सीपुलेटिडा, ठीक है, क्या होगा फोर्सीपुलेटिडा होगा, ठीक है। और फैमिली, फैमिली मतलब क्या होता है आप लोग का, क्या होता है फैमिली, मतलब फैमिली क्या हो जाएगा इसका, एस्टेरिडी हो जाएगा, ठीक है, फैमिली क्या हो जाएगा इसका, एस्टेरिडी हो जाएगा, ठीक है। और जीनस क्या हो जाएगा इसका, जीनस, जीनस एस्टेरियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा एस्टेरियस। क्यों एस्टेरियस बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो सेप होता है ना वो स्टार के समान दिखाई देता है, स्टार, इसलिए एस्टेरियस कहते हैं इसको, ठीक है। इसका जीनस मतलब वंश ना, वंश क्या हो जाएगा इसका, एक सेकेंड सॉरी, हाँ इसका जीनस क्या हो जाएगा एस्टेरियस, और स्पीसीज क्या हो जाएगा रूबेंस, ठीक है। तो देखो इसका मैं क्या बोल रहा था, कुल ना, फैमिली मतलब क्या होता है कुल, आप लोग बोलेंगे सर नहीं बताया आप हिंदी इसका मतलब क्या होता है, तो फैमिली का मतलब क्या होता है कुल होता है, ठीक है। जीनस मतलब वंश होता है, क्या होता है वंश, और स्पीसीज मतलब क्या होता है जाति, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का क्लासिफिकेशन, इसका पीडीएफ आप लोग को मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का क्लासिफिकेशन, अब हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग देखेंगे इसका क्या स्ट्रक्चर के बारे में। परिवार, अनिल कुमार वैश्य, परिवार नहीं जी, परिवार नहीं बोलते हैं, वंश क्या उसको बोलते हैं, कुल बोलते हैं ना, कुल, ठीक है। फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में, कुल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं कुल, याद रखिएगा, परिवार नहीं बोलेंगे अभी, ठीक है। क्या बोलते हैं फैमिली को हम लोग, कुल बोलते हैं, क्लासिफिकेशन में क्या बोल देते हैं कुल, ठीक है अनिल। चलो देखो ये संरचना है स्टार फिश का, ठीक है, तो आप लोग डायग्राम बना लेंगे इसका, ठीक है, मैं समझा देता हूँ कुछ कुछ इसमें क्या क्या नाम है, ठीक है। तो देखिए हम लोग अगला पॉइंट देखने वाले हैं क्या, स्टार, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार फिश, मतलब सितारा मछली की संरचना। तो जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार का आप लोग को दिखाई देती है, ठीक है। तो देखिए बीच में क्या होता है आप लोग का, सेंट्रल डिस्क होता है, ये बीच वाला जो भाग है वो क्या आप लोग का सेंट्रल डिस्क है, और इसके बीच में और क्या पाए जाते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर एनस पाया जाता है, एनस मतलब जिससे वेस्ट प्रोडक्ट को क्या किया जाता है शरीर से रिमूव किया जाता है। और ये आप लोग के जो दिखाई दे रहे हैं ना पांच इस प्रकार से, इसको हम लोग बोलते हैं भुजा, क्या बोलते हैं भुजा, और भुजा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं आर्म्स, मतलब भुजाएं, इसमें पांच भुजा होता है जैसे कि मैं आप लोग पहले ही बता चुका हूँ ऊपर में, ठीक है। फिर देखिए इसमें एक और डायग्राम है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मेजरीपोराइट। तो जैसे कि आप लोग को मैं बताया था कि जो छोटा सा गोल नुमा संरचना होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं मेजरीपोराइट्स कहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या है मेजरीपोराइट्स, जिससे क्या किया जाता है भोजन को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। फिर आप लोग आगे देखिए यहाँ पर और कुछ संरचनाएं हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ट्यूब फिट, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ट्यूब फिट। तो ये ट्यूब फिट क्या होता है, जो आप लोग का ट्यूब फिट होता है ये किसमें हेल्प करता है आप लोग का ट्यूब फिट, ये आप लोग का श्वसन में सहायता करता है, किसमें श्वसन में सहायता करता है, आगे आप लोग मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। श्वसन में सहायता करता है कौन, ट्यूब फिट, एक गोलाकार संरचना होता है, ठीक है। कुछ चना के जो चना का जो पोर्ट होता है छिलका होता है ना उस प्रकार से दिखाई देता है आप लोग का ट्यूब फिट, ठीक है। फिर देखो ओरल सरफेस और यहाँ पर एबोरल सरफेस दिया हुआ है, और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए माउथ दिया है, तो इसके बीच में क्या होते हैं माउथ होते हैं, ठीक है। माउथ मतलब मुंह पाया जाता है, ठीक है। और माउथ के जस्ट अपोजिट साइड में देखो लिखा है अबोरल सरफेस और ओरल सरफेस। ओरल मतलब क्या होता है माउथ वाला भाग, ठीक है। ओरल मतलब क्या होता है माउथ वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं ओरल। एबोरल का मतलब क्या होता है माउथ के जस्ट उल्टे वाला जो भाग, जैसे हम लोग का जो पीठ वाला रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं एबोरल सरफेस, और जो माउथ वाला हम लोग का जो फेस वाला भाग होता है चेहरा वाला जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं एबोरल सरफेस के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हो गया, तो ये था आप लोग का डायग्राम। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टर्मिनल टेंटेकल्स, ठीक है। क्या लिखा है टर्मिनल टेंटेकल्स, जैसे कि आप लोग को मैं ओवेलिया के लाइफ साइकिल में आप लोग को बताया था कि टेंटेकल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें टेंटिकल्स क्या करता था भोजन को पकड़ने में सहायता करता था, ठीक है। इसमें देखिए और कुछ आप लोग को पाया जाता है, देखिए एम्ब्रू क्या है एम्बुलेक्रल ग्रू, ग्रू मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को बताया था पहले भी कि जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ रहे थे, क्या आप लोगों को मैं जब सेल डिवीजन पढ़ा रहा था उस समय बताया था ग्रू मतलब क्या होता है खाँच, आप लोग देख पा रहे हैं थोड़ा जूम करूंगा डायग्राम को, ये देखिए यहाँ पर कुछ बीच में गड्ढा जैसे दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं खाँच बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे एम्बुलेक्रल खाँच, मतलब ग्रू, ग्रू मतलब खाँच होता है। इतना क्लियर है क्या आप लोग को, बताओ मेरे को डायग्राम क्लियर हुआ, लोग आगे चले हैं अब एक बार यस या नो जल्दी से बताएंगे, फिर हम लोग का जो मेन टॉपिक है हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। राजवीर
सिंह, यस सर, ठीक है। संदीप, एनस क्या होता है सर? ओके, एनस मैं बता रहा हूँ आप लोग को। कविता, यस सर। सतीश, यस सर। काजल साहू, यस सर। देखो आप लोग को मैं बताया एनस के बारे में ना, थोड़ा सा इनको इनको कृष्ण बंसल वंदना, यस सर। देखो एनस क्या होता है मैं बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। एनस, एनस मतलब नहीं जानते जी, इनस मतलब हिंदी में होता है एक बार और। संगीता यादव, देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अब कमेंट कोई भी नहीं करेंगे। संदीप, यस सर। देखो मैं ये बताया आप लोग को कि जो एनस होता है ना, एनस क्या होता है हिंदी में, इसको हम लोग बोलते हैं गुदा द्वार। आप लोग सुने होंगे गुदा द्वार। द्वार मतलब कोई क्या होगा, द्वार मतलब कुछ क्या होगा, दरवाजा टाइप से कुछ क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा दरवाजा के समान, डोर लाइक। मतलब गुदा द्वार मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग सुबह सुबह जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं ना खाना खाने के बाद, सुबह सुबह जाते हैं, वही तो क्या है, एनएस है जी, गुदा द्वार। जिससे क्या किया जाता है, हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना उसको रिमूव किया जाता है, बाहर किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनस कहते हैं, गुदा द्वार कहते हैं। आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा संदीप, ठीक है। चलो हम आगे अब देख लेते हैं, जिनको थोड़ा मोड़ा समझ में अगर नहीं आएगा तो एक बार और आप लोग देख लेंगे, और या आपको कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया फिर से बताइए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट भी करते जाइएगा बीच बीच में, ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है। बाकी टाइम कोई भी नहीं करेगा कमेंट्स, ठीक है, नहीं तो आप लोग खुद ही नहीं दिखेगा डिस्प्ले में, ठीक है। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टार फिश, मतलब सितारा मछली में, मतलब स्टार फिश में जल संवहन तंत्र। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जल संवहन तंत्र, जो हम लोग का मेन टॉपिक है, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी कितने लोग आप लोग देख रहे हो, 14 लोग, ठीक है, चलिए ठीक है, और लोग तो भाग गए लगता है। देखिए एक आध दो लोग, हम लोग क्या देखने वाले हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो देखिए पहला हम लोग का क्या है, अब कमेंट कोई भी नहीं करेंगे संदीप, ठीक है। सितारा मछली में जल संवहन तंत्र के लिए विभिन्न प्रकार की संरचना पाई जाती है, क्या पाई जाती है, जल संवहन तंत्र के लिए विभिन्न प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार के क्या होती है, संरचना पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो जल संवहन तंत्र में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। जो क्या करता है, जल संवहन तंत्र में सहायता प्रदान करते हैं, जो निम्न है। तो जैसे कि आप लोग को मैं सिनोप्सिस में बता भी दिया था कि क्या क्या संरचना पाई जाती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है आप लोग का मैग्रीपोराइट, दूसरा है मैग्रीपोराइट केनाल, केनाल मतलब मैग्रीपोराइट से जो नली निकला, ये आप लोग का मैग्रीपोराइट है, ऐसा था ना मैग्रीपोराइट आप लोग देखे थे, इसमें ऐसे कुछ संरचना था ऐसा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्रीपोराइट केनाल, केनाल मतलब नली, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोन केनाल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है आप लोग का रिंग केनाल, रिंग मतलब गोलाकार कुछ संरचना होगा, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, आप लोग को बताऊंगा मैं। देखो टाइडमैन्स बॉडीज होते हैं, ठीक है। चौथा, पांचवा होता है रेडियल केनाल, और जो छठवां होता है ना नीचे देखते हैं, ठीक है। देखो छठवां जो होता है लेटरल केनाल, सातवां होता है पोलियन वेसिकल्स, और आठवां होता है ट्यूब फीट। चलो आप लोग मैं पहले एक बार डायग्राम में आप लोग को दिखाता हूँ, जो जो भी आप लोग को नाम लिया हूँ ना अभी, जो जो अभी नाम बताया हूँ संरचना का नाम, उसको मैंने डायग्राम में एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग वन बाई वन करके इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा आप लोग का डायग्राम, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आप लोग को मैं बताया कि जो पहला स्ट्रक्चर था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्रीपोराइट कहते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये आप लोग का लिखा हुआ है मैग्रीपोराइट, जो आप लोग का यहाँ पर गोलाकार संरचना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्रीपोराइट कहते हैं, जो भोजन को पकड़ने में क्या करता है, या ग्रहण करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का मैग्रीपोराइट, ठीक है। फिर दूसरा देखिए आप लोग, उसका मैंने बताया था जैसे कि आप लोग को कि इसमें एक ऐसे नली जैसे कुछ संरचना होता है इस प्रकार से, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टोन केनाल, या इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्रीपोराइट केनाल। तो यह आप लोग का गया दूसरा नंबर, ठीक है। तीसरा हम लोग देखे थे कि इसमें आप लोग क्या पाया जाता है, आप लोग इसमें पाया जाता है क्या, रिंग केनाल पाया जाता है, ठीक है, रिंग केनाल। तो इसमें जैसे कि आप लोग को रिंग केनाल, ये देखो ऐसे कुछ दिख रहा है डायग्राम, रिंग जैसे मतलब गोला, ये देखो ये आप लोग का क्या हो गया, रिंग केनाल, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पेंटागोनल रिंग केनाल। पेंटागोनल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये पेंटा मतलब पंच भुजा युक्त होता है, देखो 1 2 3 4 5, ये पांच भुजा युक्त संरचना है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटागोनल रिंग केनाल कहते हैं। रिंग मतलब क्योंकि ये सर्कुलर थोड़ा सा है, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पेंटागोनल रिंग केनाल के नाम से जानते हैं। तो हो गया आप लोग का तीसरा, ठीक है। चौथा हम लोग क्या देखे इसमें, आप लोग हम लोग देखे इसमें टाइडमेंट्स बॉडीज, देखो तो ये आप प्रकार रहा टाइडमेंट बॉडीज। तो इसमें आप लोग को काला काला कुछ संरचना आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करता हूँ डायग्राम को, अब देखिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को ये दिखाई दे रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो आप लोग का नौ क्या होता है, टाइड मेंस बॉडीज होते हैं, क्या होते हैं, टाइड मेंस बॉडीज, नौ की संख्या में होते हैं। जो पर आप लोग के जो केनाल है उसमें दो दो होता है, लेकिन आप लोग का जो जहां पर मैग्री पुराइट से जुड़ा है ना, क्या जुड़ा हुआ है, मैग्री जो पुराइट से जुड़ा होता है, क्या जुड़ा रहता है, मैग्री पुराइट से जहां से जुड़ा है उस जगह में सिर्फ एक ही क्या पाया जाता है, टाइड मेंस बॉडीज पाया जाता है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जहां पर मैग्री पुराइट्स होते हैं वहां पर कितने टाइड मेंस बॉडीज पाए जाते हैं, तो सिर्फ एक ही पाया जाता है, क्योंकि एक तो क्या जुड़ गया है वहां पर आप लोग का मैग्री पुराइट्स, देखो यहां पर जुड़ गया है यहां से, ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एक ही काला काला आप लोग को दिख रहा होगा धब्बा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड मेंस बॉडीज कहते हैं, ठीक है। फिर अगर हम पूछे कि संख्या में कितना होता है टाइड मेंस बॉडीज, तो संख्या में आप लोग का नौ होता है, कितना होता है, नौ की संख्या में पाया जाता है टाइड मेंस बॉडीज, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। उसका देखिए अगला क्या है आप लोग का, रेडियल केनाल, देख सकते हैं आप लोग रेडियल केनाल कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो रेडियल केनाल लिखा हुआ है। तो जैसे आप लोग को यहां से इस प्रकार से पांच ठो आप लोग को क्या दिख रहा होगा, रेडियल केनाल दिख रहा होगा, जो केनाल मतलब नली के समान जो संरचना दिख रहा है पाइप जैसे, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडियल केनाल कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अगला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल केनाल बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग को थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊंगा, दिखाने का प्रयास करूंगा, ये देखिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आप लोग का जो ट्यूब फिट है ना, ये ट्यूब फिट देखिए, ये जो आप लोग का ट्यूब फिट है जिसके द्वारा जुड़ा हुआ है इस नली के द्वारा पतला पतला, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेटरल केनाल कह देते हैं, क्या बोल देते हैं, लेटरल केनाल कहते हैं। और अंत में इसका आप लोग का क्या बच जाता है, आप लोग का ट्यूब फिट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ट्यूब फिट लिखा हुआ है। तो आप लोग को जो गोल गोल गुब्बारा जैसा कुछ संरचना बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे ना, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, जैसे देखो कि यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो डायग्राम को ऐसे ही बनाएंगे ना, ये बाहर है दोनों, फिर दो ठो अंदर अंदर हैं, फिर दो बाहर हैं, दो अंदर अंदर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो गुब्बारा जैसे जो बैलून जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, संरचना दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब फिट कहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को डायग्राम को मैं थोड़ा सा अभी शॉर्ट में बताने का प्रयास किया हूं, क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, एक बार कमेंट करके जल्दी बताएंगे आप लोग जरूर, जल्दी से समझ में आ रहा है डायग्राम, मैं जितना भी बताया अभी क्लियर दिख रहा है आप लोग को, अगर कमेंट करके जल्दी से बताएंगे फिर हम लोग ऑन बाई ऑन करके इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। संगीता, संदीप, यस सर, सतीश, यस सर, राजवीर, यस सर, कविता, कृष्ण बंसल, संगीता यादव, यस सर, ठीक है। तो हम लोग ये डायग्राम था हम लोग का, ठीक है, इसी डायग्राम को आप लोग को बनाना है ना, जो आप लोग को डायग्राम है, वंदना, यस सर, देखो जो आप लोग को डायग्राम दिख रहा है ना, इसी को आप लोग को बनाना है अपने कॉपी में, ठीक है, या नोट्स में, एग्जाम में भी इसी को आप लोग को बनाना है, इसी डायग्राम को, ठीक है। तो ये आप लोग का डायग्राम बनाना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि यही तो इसका मेन डायग्राम है, ठीक है। आशीष ओब्रॉय, यस सर, चलो ठीक है। एस्टेरियस वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। संदीप कुमार, अनिल कुमार, सुरेंद्र सिंह, जी सर, देखो तीसरी डायग्राम को लोग बनाना है, बहुत ईजी है ना, आप लोग नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा फिर भी मैं आप लोग को समझा के ही रहूंगा, ठीक है। तो देखो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मैग्री पोराइट्स, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्री पोराइट्स, जैसे कि मैं बताया था डायग्राम में, देखो यह गोल चक्र तथा क्षेत्रयुक्त भाग होता है, यहाँ गोल चक्र लिखा हुआ है, गलती से प्रिंट मिस्टेक हो गया है, यह गोलाकार, ठीक है, और चपटा क्या होता है, चपटा युक्त भाग होता है। तो कैसे होता है, इसे देखो मैं जैसे कि आप लोग बताया था कि ऐसा गोला होता है और थोड़ा चपटा होता है, ठीक है, क्या होता है, एक गोला होता है, इस प्रकार से कुछ चपटा संरचना होता है, ठीक है, कैसा होता है, गोला और चपटा होता है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो लोग उसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, देखिए प्रिंट करते टाइप करते हुए थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, देखो ये आप लोग का मैग्री पोराइट्स है, तो देखो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, थोड़ा जूम करूँ क्या, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, ये देखिए ये आप लोग का क्या लिखा हुआ है, मैग्री पोराइट्स, तो ये कुछ थोड़ा गोला चपटा संरचना दिख रहा होगा, ठीक, यही आप लोग क्या है, मैग्री पोराइट्स है, जैसे कि आप लोग मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्री पोराइट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या होता है आप लोग का, जब मैं पीडीएफ आप लोग को सेंड करूँगा ना, तो इसको मैं सुधार के भेजूंगा आप लोग को, ठीक है, टेंशन ना लो आप लोग, इसको मैं सुधार के आप लोग को भेज दूंगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, गोलाकार चपटा संरचना होता है, इसके माध्यम से जल में उपस्थित, किसमें, जल में उपस्थित, वाटर में उपस्थित जो भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया जाता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जो फूड मटेरियल होते हैं ना, भोजन में क्या होते हैं, फूड मटेरियल्स होते हैं, उसको क्या किया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, किसके द्वारा, जो मैग्री पोराइट्स होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। जो निचले सतह पर, यहाँ पर लिखा है, देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, सत्ता लिखा हुआ है, निचले सतह पर, ठीक है, निचले सतह पर एक कोष, कोष मतलब सेक, सेक मतलब कुछ थैलानुमा संरचना होता है, द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को मैं क्या बताया कि ये जो मैग्री पोराइट्स होते हैं, क्या होता है, गोला चपटा कार संरचना होता है,
जिसके द्वारा जल में उपस्थित जो फूड मटेरियल होते हैं, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, सब ग्रहण किया जाता है और निचले सतह पर क्या होता है, एक सेक द्वारा जुड़ा होता है, मतलब एक थैला द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, मतलब अटैच होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। चलो हम लोग डायग्राम में देखते हैं ना कि मेजर प्रोडक्ट कैसे कैसे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, थोड़ा जूम करूँगा डायग्राम को तभी आप लोग को दिखाई देगा, ये रहा आप लोग डायग्राम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, ये आप लोग का जो मैग्नीफोराइट्स होता है ना, ये देखिए ये आप लोग का जो मैग्नीफोराइट्स लिखा हुआ है, ये आप लोग मैग्नीफोराइट्स है, इसके जस्ट नीचे में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर छोटा सा कुछ उभार नुमा संरचना दिख रहा है, हल्का सा कुछ इस प्रकार से। मैं पहले यहाँ बना के आप लोग को दिखाता हूँ, ये डायग्राम रहा, चलो यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, तब आपको दिखेगा ऐसा कुछ डायग्राम है मैग्नीफोराइट्स, ये क्या आप लोग का बन गया मैग्नीफोराइट्स बन गया। तो यहाँ से कुछ ऐसा संरचना देखो, ऐसे थोड़ा सा चौड़ा है फिर ऐसे आया है, तो यहाँ जो उभार नुमा संरचना आप लोग को दिख रहा है ना, कौन सा वाला मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, ए वाली रीजन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ए वाला भाग हल्का सा, ये थोड़ा सा फूला हुआ भाग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला कहते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पुला। इसी को मैं बोल रहा था आप लोग को, सेक सेक मतलब कुछ थैला जैसे संरचना आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पर हल्का सा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला कहते हैं। जिससे क्या होता है, जो आप लोग का मैग्नीफोराइट्स है ना, ये इससे क्या है, जुड़ा हुआ है कि नहीं, जुड़ा हुआ है ना इससे, यानी यस सर, ठीक है, तो इससे क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये रहा आप लोग का मैग्नीफोराइट्स, और यहाँ पर हल्का सा क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा फूला हुआ भाग है, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, एम्पुला। लेकिन इस डायग्राम में आप लोग का नेमिंग किया हुआ नहीं दिखाया गया है, एम्पुला नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला कह देते हैं, क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। आप लोग को मैग्नीफोराइट्स क्लियर हुआ क्या, आप लोग अगर कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को, एम्पुला आप लोग समझ, सॉरी एम्पुला बोलता हूँ, आप लोग को मैग्नीफोराइट्स समझ में आया क्या, जल्दी सब लोग बताएंगे, मैग्नीफोराइट्स क्लियर है, हम लोग आगे चलें। राजवीर यस सर, सतीश यस सर, ठीक है। तो देखो मैं जैसे बहुत टाइम से बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या होता है, मुस्कान यस सर, संगीता यादव यस सर, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को बताया कि ये जो मैग्नीफोराइट्स होता है वो भोजन को ग्रहण करने में सहायता करता है, आपको याद रखना। कृष्ण बंसल, कविता यस सर, ठीक है, चलो आप कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं मैग्नीफोराइट्स, हम लोग का क्लियर हो चुका है, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नीफोराइट्स केनाल, या इसी को हम लोग बोल देते हैं स्टोन केनाल, क्या बोलते हैं, मैग्नीफोराइट्स केनाल या स्टोन केनाल। संदीप कुमार यस सर, अनिल यस सर, ठीक है जी सर, चलो ठीक है। अब कमेंट कोई नहीं करोगे ना, थोड़ा सा लेट में जाता होगा आप लोग के पास क्या मेरा आवाज, क्योंकि लाइव हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा एक दो सेकंड लेट में जाता है, तो लोग एक दो सेकंड लेट में ही क्या करते हो, कमेंट करते हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है इसमें, ठीक है। तो देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मैग्नीफोराइट्स, ठीक है। केनाल, केनाल मतलब क्या होता है जी, नली ना, ध्यान रखिएगा, केनाल का मतलब क्या होता है, नली होता है, या स्टोन केनाल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है, यह भाग एम्पुला तथा पेंटागोनल रिंग केनाल के मध्य में पाया जाता है। जो मैग्नीफोराइट्स केनाल होता है वो एम्पुला और पेंटागोनल, ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, लोग ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोला, कि जो आप लोग का मैग्नीफोराइट्स जो केनाल होते हैं वो किसके किसके बीच में पाए जाते हैं, तो एम्पुला और उसके साथ साथ आप लोग का जो पेंटागोनल रिंग केनाल होता है ना, उसके कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मध्य भाग में पाए जाते हैं। चलिए हम लोग डायग्राम में देखते हैं कि एक्चुअल में पाया जाता है कि नहीं मध्य भाग में, चलो हम लोग डायग्राम की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का डायग्राम, ये देखिए ये रहा आप लोग का डायग्राम, और इसमें आप लोग देख सकते हैं हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी, स्टोन केनाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टोन केनाल हम लोग किसको बोल रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संरचना है ना, नली जैसे कुछ दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोन केनाल या मैग्नीफोराइट केनाल कहते हैं। तो ये रहा आप लोग का मैग्नीफोराइट, और ये क्या है आप लोग का पेंटागोनल, क्या है, पेंटागोनल रिंग केनाल। तो दोनों हम लोग क्या पढ़े थे कि एम्पुला और किसके मध्य में पाया जाता है, एम्पुला हम लोग किस जगह को बोलते हैं जी, हम लोग एम्पुला इस जगह को बोलते हैं, सॉरी एक सेकेंड, ये वाला जो फूला हुआ भाग उसका हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला, ठीक है। और आपको कोई रिंग जैसा संरचना दिख रहा है इसका हम लोग क्या बोलते हैं, तो पेंटागोनल रिंग केनाल बोलते हैं। तो हम लोग का पेंटागोनल रिंग केनाल ये हो गया, ठीक है, और एम्पुला ये फूला हुआ भाग हो गया, इसके जो बीच में आप लोग को एक थोड़ा सा पाइप जैसा जो संरचना दिख रहा है ना, ये पाइप जैसा जो संरचना, ये वाला ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोन केनाल बोलते हैं। और यहाँ को फूला हुआ भाग को एम्पुला बोल देते हैं, और ये जो आप लोग का रिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटागोनल रिंग केनाल कहते हैं। इसके बीच में जितना भी भाग अब बचा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोन केनाल या मैग्नीफोराइट केनाल, क्योंकि ये मैग्नीफोराइट का ही क्या है, केनाल है या नली है, जिसका नली होगा भाई उसी का केनाल ना हम लोग बोलेंगे या नली बोलेंगे। तो ये किसका केनाल है, तो ये मैग्नीफोराइट के आगे जस्ट नली है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीफोराइट केनाल के नाम से भी बोल सकते हैं या जानते हैं। इतना क्लियर है क्या आप लोग को, बताओ मेरे को मैग्नीफोराइट केनाल समझ में आया क्या, एक बार आप लोग कमेंट करें जल्दी से बताएंगे,
मेरिपराइट कैनाल या स्टोन कैनाल, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं क्या मेरिपराइट कैनाल और स्टोन कैनाल, लेकिन पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा और हम लोग आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। राजवीर यस सर, ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया ना, जो भी पॉइंट आप लोग समझाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं क्या, इसी को लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे। मुस्कान, संगीता, राजवीर, यस सर, अनिल, ठीक है। एक बार और सर, चलो ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ, अभी पूरा नहीं हो पाया है, ठीक है। कविता बोल रही है, एक बार और। सतीश, यस सर, ठीक है। या और पेंटागोनल रिंग कैनाल, चलो मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। काजल जी सर, ये आप लोग करेंगे, देखो ये आप लोग का क्या है, ये आप लोग का मेगिपुराइड है, क्या है, अनिल कुमार यस सर, मेगिपुराइड है, क्या बोल देते हैं इसको हम लोग, बोल देते हैं क्या इसको हम लोग, बोल देते हैं एम्पुला, क्या बोल देते हैं एम्पुला, ठीक है। फिर आगे में आप लोग का क्या होता है, तो अलग अलग कलर ले लेते हैं, ठीक है, अलग कलर ग्रीन ले लेते हैं। देखो हम लोग यहाँ से यहाँ तक आप लोग का जो पांच भुजा वाला ऐसा संरचना कुछ होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग केनाल बोल देते हैं, पेंटागोनल रिंग केनाल कहते हैं। तो देखो ये आप लोग का एम्पुला हो गया, और यह हो गया आप लोग का क्या, रिंग केनाल, ठीक है, क्या हो गया, एक सेकेंड, ब्लैक कलर ले लेते हैं। देखो ये आप लोग का क्या हो गया, ए इतना भाग क्या हो गया आप लोग का, रिंग केनाल, पेंटागोनल रिंग केनाल, और ये हो गया आप लोग का एम्पुला। इसके जो बीच में जो जगह बच गया ना जी, ये वाला, ये जो मैं जिससे अभी लाइन लाइन खींच रहा हूँ ना, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टोन केनाल, या इसी को हम लोग बोल देते हैं मेगिपुराइट केनाल के नाम से जानते हैं। जो मैं जिसको काला काला कर रहा हूँ ना, इतना ही भाग का हम लोग क्या बोल देते हैं, इतना हम लोग भाग को क्या बोलते हैं, स्टोन केनाल या मेगिपुराइट केनाल के नाम से जानते हैं। समझ में आया, मेगिपुराइट केनाल किसको बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे डायग्राम में यहाँ पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ये रहा आप लोगों का डायग्राम, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच के भाग को हम लोग क्या बोल देते हैं, आप लोग का मेगिपुराइट केनाल या स्टोन केनाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर आगे देखो, इसमें आप लोगों को क्या और डिटेल सभी है, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। देखो जिसके अंदर में, ठीक है, जिसके अंदर में क्या होता है आप लोग के, जिसके अंदर में असंख्य रोम पाए जाते हैं। रोम मतलब जानते हो ना, कैसे संरचना बहुत सारे, ये आप लोग का क्या नली है, नली में ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं नली में आप लोग के, क्या पाए जाते हैं, रोम, रोम मतलब बाल जैसे संरचना पाई जाती है छोटी छोटी, ठीक है। जैसे हल्का क्या होता है, कुछ कुछ बाल होते हैं ना नाक में, कान में, रोमा जैसे, जानते हो आप लोग ना, वही। तो इसमें भी क्या होते हैं, असंख्य रोम पाए जाते हैं, रोम मतलब वही आप लोग का सिलिया जैसे कुछ संरचना या बाल जैसे, ठीक है। तो क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, जिसे हम सिलिया कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, सिलिया, मैं बताया आप लोग को क्या कहते हैं, जिसे हम लोग सिलिया कहते हैं, जो जल में उपस्थित भोज्य पदार्थों को सितारा मछली की आंतरिक भाग, ठीक है, क्या, सितारा मछली की आंतरिक भाग की ओर ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। जो सिलिया होता है, जैसे कि आप लोग को मैं बताया कि ये नली है आप लोग का, नली में क्या है आप लोग के, छिद्र है, ठीक है, क्या, सॉरी, रोम है, ये क्या आप लोग के, रोम, ये क्या आप लोग का, मेगिपुराइट्स। यहां से पानी क्या किया, H2O क्या किया, इंटर किया, तो उस समय क्या होते हैं, अंदर की ओर ऐसे ऐसे मुड़ जाते हैं, अंदर की ओर मुड़ते हैं, ठीक है। संदीप, अनिल, यस सर, देखो क्या होते हैं, कमेंट अभी नहीं करोगे, थोड़ा समझा लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो इस समय क्या होता है आप लोग का, ये जो रोम होते हैं ना, जो सिलिया होते हैं ना, वो अंदर की ओर क्या होते हैं, ये देखो ये नली था, इसमें अंदर की ओर ऐसे टेढ़ा हो जाएंगे, इधर से पानी आ रहा है ना, तो ऐसे अंदर की ओर ऐसे टेढ़ा हो जाएंगे। जब ऐसे टेढ़ा होगा ना, तो इसमें एक प्रेशर, एक दबाव उत्पन्न होगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोलिटिक दाब कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोलिटिक, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक प्रेशर या दाब कहते हैं। इससे ऐसे अंदर की ओर अचानक से जाएगा ना, तो क्या होगा, इसमें पानी अंदर की ओर घुसेगा दबाव के कारण, सोख लेता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना अचानक से करके, तो क्या होता है, इसमें दबाव उत्पन्न होता है और ये पानी को अंदर की ओर खींच लेता है। और उसमें जो फूड मटेरियल होंगे ना, जितने भी जो भोज्य पदार्थ होंगे ना घुले हुए, इसमें आप लोग के जो पानी होता है ना, उसमें जो भोज्य पदार्थ होंगे वो पानी के साथ कहाँ पहुँच जाएंगे, इसके अंदर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है किसमें, आप लोग का मेगिपुराइट केनाल में। और ये कैसा आकार का होता है, तो ये एस आकार का होता है, कैसा आकार का होता है, एस आकार का होता है, क्लियर है। आप लोग देख भी सकते हैं डायग्राम में कि ये आकार का है कि नहीं है, हल्का सा, ये देखो आप लोग देखेंगे इसको जूम करके, तो हल्का सा ये ऐसे करके, एक बार ये देखो, ऐसा हल्का सा ऐसे संरचना है, ऐसे, ठीक है, हल्का सा ये क्या है, एस आकार का दिखाई देता है आप लोगों को। कौन, आप लोग का जो स्टोन केनाल होता है, या तो क्या, जिसको हम लोग बोल देते हैं स्टोन केनाल या मेगिपुराइट केनाल, ये क्या होता है आप लोग का, हल्का एस आकार का होता है। क्लियर है आप लोग को इतना, क्लियर जी इतना आप लोग को, एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है हम लोग का, कितना लोग जुड़े हैं अभी, 16 लोग, ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए हम लोग आगे देख लेते हैं ना, अब हम लोग का अगले क्या है उसके बाद, टाइगमेंस बॉडीज, उससे पहले वो क्या है, पेंटागोनल रिंग, ठीक है, अनिल यस सर, राजवीर यस सर। देखिए आप लोग, क्या क्लास हम लोग यहीं खत्म करें कि पूरा कंटिन्यू पूरा करें, कंप्लीट आज कर दें क्या, बताओ आप लोग। वंदना यस सर, कंप्लीट या यहीं छोड़ें, क्योंकि 40 मिनट हो चुका है,
और पढ़े क्या बताइए आप लोग? संगीता यादव, यस सर, जी सर, पूरा कर दे क्लास, चलो पूरा कर देते, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, ये अब शॉर्ट शॉर्ट है, कम कम, बहुत ही कम है, ठीक है। मनहर, यस सर, देखो आप लोग अब समझेंगे, ठीक है। हम लोग अगला देखने वाले हैं अब पेंटागोनल रिंग केनाल, ठीक है, कंप्लीट कर देते हैं, बोल रहे हैं, चलो ठीक है। तो देखिए आप लोग, यस सर अनिल, देखो हम लोग ध्यान से अब देखेंगे ना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं लेकिन समझने का फुल प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं पेंटागोनल रिंग केनाल, क्या पेंटागोनल रिंग केनाल, तो क्या होता है, यह सितारा मछली का मध्य भाग होता है, क्या होता है, सितारा मछली का मध्य भाग होता है जो पंचभुज युक्त होता है। कृष्ण बंसल, यस कविता, यस, देखो अब कमेंट नहीं करोगे जी, थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। देखो क्या मैं बोला कि यह सितारा मछली का मध्य भाग होता है जो पंचभुज युक्त संरचना होता है, मतलब पांच भुजा युक्त संरचना होता है, जिस पर टाइट टाइडमैन्स बॉडीज पाया जाता है, जिस संख्या में नौ होता है। तो मैं क्या बताया आप लोग को कि जो आप लोग का पेंटागोनल रिंग जो केनाल होता है ना, वो क्या होता है, आपका पंच भुजा युक्त होता है। पहला बात, पांच भुजा इसमें होता है कि नहीं होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। और इसमें पांच भुजा युक्त जो संरचना होती है ना, उसमें टाइटमैन्स बॉडीज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टाइटमैन्स बॉडी, जो संख्या में क्या होता है, नौ। चलो हम डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आप लोग का क्या डायग्राम, देख लीजिए आप लोग है, ठीक है। तो ये आप लोग का डायग्राम, ठीक, तो देखो ये आप लोग का टाइटमैन्स बॉडीज है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे टाइटमैन्स बॉडीज होता है, ठीक है, वो रिंग केनाल, ये क्या आप लोग का रिंग केनाल, पेंटागोनल रिंग केनाल, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, क्या पेंटागोनल रिंग केनाल है, ये आप लोग का पांच भुजा युक्त है, ठीक है। पांच भुजा हो गया, एक दो तीन चार पांच, पांच भुजा हो गया, और इसी में क्या होता है आप लोग का, क्या पाया जाता है, तो इसमें आप लोग का देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, इसमें जो काला काला आप लोग को दिख रहा है ना, ये क्या है आप लोग का टाइडमैन्स बॉडीज पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, टाइडमैन्स बॉडीज पाए जाते हैं, जो संख्या में क्या होता है, नौ। क्यों नौ होता है, इसमें तो दस होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था क्या, दस। देखो आप लोग का जो संरचना है, मतलब यहाँ बना के मैं दिखाना चाहूंगा, ये रहा आप लोग का डायग्राम, कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये देखो एक सेकेंड, देखो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आप लोग का एक भुजा एक हुआ, दो तीन चार पांच, पांच भुजा हुआ, तो यहां पर हर में क्या है, प्रत्येक भुजा में आप लोग का दो दो क्या पाए जाते हैं, टाइटमैन्स बॉडी, एक हो गया, दो एक दो एक दो एक दो, ठीक है। लेकिन आप लोग का जिसमें मेजरीपुराइट जिस प्रकार से जुड़ा रहता है ना, मेजरीपुराइट इस प्रकार से जुड़ा रहता है जिस भाग से, ठीक है, मेजरीपुराइट हो गया, वहां पर सिर्फ एक ही पाया जाता है, क्या टाइटमैन्स बॉडी, और दूसरा जो होता है यहाँ पर आप लोग का क्या जुड़ जाता है, आप लोग का मेजरीपुराइट जुड़ जाता है, इसीलिए यहाँ पर दो चार छ आठ और एक क्या हो जाएगा, नौ। तो नौ क्या होते हैं आप लोग के, टाइटमैन्स बॉडीज पाए जाते हैं। समझ में आया कि आप लोग को, टाइटमैन्स बॉडीज कितने होते हैं, नौ होते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं इसके बाद, आप लोग का हो गया पेंटागोनल रिंग केनाल हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइटमैन्स बॉडीज के बारे में, ठीक है। तो देखिए टाइटमैन्स बॉडीज क्या होता है, तो टाइटमैन्स बॉडीज, ठीक है अनिल, यस सर, कविता, यस सर, चलो ठीक है, कमेंट ना करो अब, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं जब बोलूंगा तब करिएगा। देखिए सितारा मछली का यह भाग पीले रंग का होता है, क्या होता है, पीले रंग का होता है, जो रिंग केनाल के आंतरिक सतह पर स्थित होता है, और इसका जो देखो कार्य क्या है, ये जो टाइटमैन्स बॉडीज पाए जाते हैं नौ की संख्या में ना, देखो, जिस पर बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए क्या होता है, ग्रंथि पाया जाता है, ग्लैंड पाए जाते हैं, क्या ग्लैंड, जो क्या करता है, ग्रंथि क्या करता है, हार्मोन को स्त्रावित करेगा या एंजाइम को स्त्रावित करेगा, ठीक है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन को स्त्रावित करते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं क्या करते हैं, एंजाइम को स्त्रावित करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, ये जो ग्रंथि होता है ना, ये ग्रंथि बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए क्या करता है, इसमें ग्रंथि पाए जाते हैं, किसमें, आप लोग का जो टाइटमैन्स बॉडीज होता है नौ की संख्या में, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, जो नौ होते हैं ना, तो इस नौ जो नौ आप लोग के क्या है, टाइटमैन्स जो बॉडीज हैं, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले ग्रंथि पाए जाते हैं, ताकि इसके बॉडी में, देखो जल में क्या होता है, जैसे कि वो जल में आप लोग का बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया फंगस कुछ कुछ पाए जाते हैं, जब वो पानी ग्रहण करता था, पानी के साथ सिर्फ भोजन ही थोड़ी ना जाएगा, सिर्फ फूड ही थोड़ी ना अंदर उसके जाएगा, उसके साथ साथ क्या जाएगा आप लोग का, उसके साथ साथ उसके अंदर क्या पहुंच जाएगा, कुछ बैक्टीरिया भी तो जा सकते हैं ना पानी के साथ, भोजन के साथ मिलकर, तो उसको नष्ट करने के लिए इसमें क्या होता है, टाइटमैन्स
बॉडीज पाए जाते हैं, टाइड मैंस बॉडीज पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। और एक जो टाइड मैंस बॉडीज होते हैं वो संख्या में 9 होते हैं, जैसे कि आप लोग मैं डायग्राम में यहाँ पर बताया था, ठीक है, बताया था ना। देखिए ये रहा आप लोग का टाइड मैंस बॉडीज, जो आप लोग यहाँ पर काला काला धब्बा धब्बा दिख रहा है ना, वही क्या आप लोग टाइड मैंस बॉडीज, इसका मुख्य कार्य क्या है आप लोग का, बैक्टीरिया को नष्ट करना, जल के साथ और फूड के साथ इसके अंदर पहुंच जाते हैं उनको, ठीक है। तो ये था आपका टाइड मैंस बॉडीज। हम लोग अगला आप देखेंगे, इसके बाद क्या देखेंगे, टाइड मैंस बॉडीज का हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसका आप लोग का है अगला रेडियल केनाल, ठीक है। क्या आप लोग का रेडियल केनाल, कितना लोग अभी देख रहे हैं लाइव, 16, ठीक है, चलो ठीक है। देखिए अगला आप लोग क्या है, रेडियल केनाल ना, देखो सितारा मछली का यह भाग रिंग केनाल के बाहरी सतह पर क्या होता है, स्थित होता है। तो जो रेडियल केनाल होता है वो रिंग केनाल के बाहरी सतह पर स्थित होता है, जैसे कि लोग डायग्राम में देख सकते हैं। चलो लोग अभी थोड़ा और पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम में आपको दिखाऊंगा समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि जो सितारा मछली का यह भाग होता है वो रिंग केनाल के क्या होता है, बाहरी सतह पर स्थित होता है, कौन, रेडियल केनाल, ठीक है, जिस पर उभारनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोलियन वेसिकल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, पोलियन वेसिकल्स। जो पोलियन वेसिकल्स होता है कि आगे की ओर बहुत सारे क्या होते हैं, केनाल पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल केनाल कहते हैं। तो चलो डायग्राम को लोग मैं दिखाता हूँ कि रेडियल केनाल कैसा संरचना है, डायग्राम आप लोग हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है, डायग्राम में आप लोग समझ में आएगा स्पष्ट रूप से। हम लोग क्या देखने वाले हैं, रेडियल केनाल्स। तो देखो ये लिखा हुआ है आप लोग का रेडियल केनाल्स। तो रेडियल केनाल्स क्या होते हैं, जैसे पाइप जैसे संरचना आप लोग को दिख रहा है, 1, 2, 3, ठीक है, 4 और ये 5, ये क्या है आप लोग का रेडियल केनाल्स हैं। क्या है, रेडियल केनाल्स। और आगे इसमें और कुछ केनाल जुड़े हुए आप लोग को दिखाई दे सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसी में आप लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ, देखो जो ट्यूब फिट जुड़ा हुआ है ना, उससे क्या है आप लोग के, यहाँ थोड़ा जूम करेंगे तो देखो ये आप लोग का रेडियल केनाल, ये जो बड़ा वाला है क्या है, रेडियल केनाल है। लेकिन इसमें भी तो कुछ और ऐसे क्या संरचना पाई जाती है जुड़ा हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल केनाल कह देते हैं। और इसमें बताया कि मैं पोलियन वेसिकल्स पाए जाते हैं, कहां पर, कहीं पर आपको डायग्राम में पोलियन वेसिकल्स दिख रहा है क्या, इस डायग्राम में पोलियन वेसिकल्स तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसमें पोलियन वेसिकल्स नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें हम लोग देखिए इसमें क्या होता है आपका रेडियल केनाल, देखो सॉरी रेडियल केनाल के भाग से जुड़ा हुआ कुछ और केनाल पाए जाते हैं, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल केनाल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल केनाल्स। जैसे कि लोग यहाँ पर थ्योरी में देखे थे, एक बार और आप लोग देखेंगे इसको ध्यान से तब समझ में आप लोग को आएगा, ठीक है। ये देखिए ये रिंग केनाल की बाहरी सतह पर, तो रिंग केनाल ऐसा होता है आप लोग जानते हो, पंचभुजा युक्त क्या होता है, ये रिंग केनाल है, इसकी बाहरी सतह ऐसे यहां से निकला हुआ, सभी भुजा से निकला हुआ क्या होता है आप लोग का, ये आप लोग का रेडियल केनाल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल केनाल कह देते हैं, ठीक है। जो पांच भुजा से निकला हुआ है ना नली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल केनाल कहते हैं, ठीक है। और इसी में क्या होता है, कुछ उभारनुमा संरचना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलियन वेसिकल्स कहते हैं। और पोलियन वेसिकल्स से आगे की ओर क्या होता है, लेटरल केनाल होता है। तो लेटरल केनाल जैसे हम लोगों ने बताया था, ये आप लोग डायग्राम इसमें दिखाया है, पोलियन वेसिकल्स को देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखो ये आप लोग का क्या है, ये आप लोग का क्या है, रेडियल केनाल है। तो इसमें और कुछ छोटे छोटे निकले हैं इस प्रकार से, देखो दोनों साइड जो नली के ना, छोटे छोटे नली जो आप लोग को बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं आप लोग का, लेटरल केनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल केनाल कह देते हैं, ठीक है। हाँ चाबी यही रख दीजिए, मैं आ जाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये आप लोग का था, क्या था आप लोग का, रेडियल केनाल के बारे में। अब हम लोग अगला देखने वाले हैं इसके बाद, पोलियन वेसिकल्स, जो डायग्राम में नहीं दिखाएगा लेकिन आप लोग इसके बारे में जानना पड़ेगा जरूरी। देखो सितारा मछली का यह भाग रेडियल केनाल के ऊपर एक उभार पाई जाती है, किसके, रेडियल जो केनाल होते हैं ना उसके ऊपर में एक उभार होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलियन वेसिकल्स कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रेडियल केनाल कहाँ पर है और उसमें कहाँ पर उभार पाया जाना चाहिए। हम लोग डायग्राम को ही एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कहाँ पर होना चाहिए था लेकिन नहीं, तो ये देखो इसमें कहीं पर नहीं दिया है ना, हाँ नहीं दिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए ये रहा आप लोग का रेडियल केनाल, ये जो रेडियल केनाल है ना, इसी में ऐसे उभार में इधर बाहर की ओर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर कुछ उभारनुमा संरचना होता है ऐसे ऐसे सभी तरफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलियन वेसिकल का, इस उभार को हम लोग क्या बोलते हैं, जो आप लोग रेडियल केनाल के ऊपर में यहाँ पर कहना चाहिए एक्चुअल में। देखो थोड़ा जूम करेंगे, ये जो आप लोग ऐसा नली आया है ना, तो इस नली के यहाँ पर ऊपर क्या एक क्या पाया जाता है, उभारनुमा संरचना होता है यहीं पर ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलियन वेसिकल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोलियन वेसिकल्स कहते हैं इसी उभार, ठीक है। इसमें नहीं दिया है वैसे, डायग्राम में नहीं दिख रहा है,
इसमें मिस से डायग्राम में, ठीक है, तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, कोलियन वेसिकल्स कहते हैं। तो ये हो गया छठवां नंबर। सातवां और आठवां, दो पॉइंट आप लोग का और बचा हुआ है, ठीक है, कितने पॉइंट, दो पॉइंट, तो हम देख लेते हैं उसको भी। तो देखिए, यह भाग ट्यूब फिट और रेडियल केनाल के मध्य में पाए जाने वाला क्या भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटरल केनाल। तो ट्यूब फिट और रेडियल केनाल के सर वेसिकल क्या होता है, संगीता यादव, ओके। वेसिकल मतलब होता है आशय, आशय मतलब थैली नुमा कुछ संरचना होता है, जैसे कि आप लोग जब पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ईआर जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ क्या होता है, कुछ ऐसा सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा होता है संरचना, ठीक है, जो क्या होता है, थैला के समान संरचना कुछ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिकल्स कहते हैं, जिस पर क्या होता है, कुछ क्या भरा रहता है, द्रव्य पदार्थ इसके अंदर में भरा रहता है। जैसे गुब्बारे में अगर हम लोग पानी भर दें तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे, वेसिकल्स कह देंगे, क्या कहेंगे, वेसिकल, या हिंदी में इसको हम लोग बोल देते हैं आशय कहते हैं, क्या कहते हैं, आशय या वेसिकल्स कहते हैं, ओके। संगीता देखो, लेटरल किनाल, ठीक है, तो मतलब क्या बताया आप लोगों को मैं, ये ट्यूब फिट और रेडियल किनाल के मध्य में पाए जाने वाला क्या होता है, केनाल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल किनाल, जैसे कि लोग डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ट्यूब फिट और रेडियल किनाल। देखो तो ट्यूब फिट कहाँ पर है दीदी, चाबी वहीं रख दीजिए, मैं ले जाऊँगा, ठीक है, बंद करके चले जाऊँगा मैं, बस 5 मिनट बचा है, मैं 5 मिनट बाद में जाऊँगा मैं। तो देखिए मैं क्या बताया आप लोग को, लेटरल किनाल ना, तो देखो ये है लेटरल किनाल, ठीक है, और रेडियल किनाल के बीच में, ठीक है, क्या होता है आप लोग को, सॉरी हाँ वहीं रख दीजिए। देखो रेडियल किनाल और ट्यूब फिट के बीच में एक और नली में बताया था ना आप लोग को, ऐसे ऐसे पाया जा रहा है सब में जुड़ा हुआ, जैसे गुब्बारा गुब्बारा दिख रहा है ना संरचना, यहाँ पर देखिए आप लोग गुब्बारा जैसे कुछ संरचना आप लोग को दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो इधर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट में क्या होता है, कुछ नली दिख रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेटरल किनाल, सिंपल सा बात है, ठीक है, क्या है ये आप लोग को नली हल्का हल्का छोटा जो दिख रहा है ना गुब्बारा जैसे, जो गुब्बारा है उसमें जो जुड़ा हुआ नली है ना, गुब्बारा में जो जुड़ा हुआ नली है, मतलब ट्यूब फिट में जो जुड़ा हुआ नली है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेटरल केनाल कहते हैं। आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे समझ में आए कि नहीं लेटरल केनाल, जल्दी से लेटरल केनाल आप लोग समझ में आए कि नहीं, ये जो नली नली दिख रहा है ना यहाँ पर हल्का छोटा छोटा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जो स्मॉल स्मॉल क्या दिख रहा है नली या ट्यूब दिख रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल केनाल कहते हैं। राजवीर यस सर, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, बस एक पॉइंट और बचा फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है क्लास, तो थोड़ा सा और धैर्य रखेंगे आप लोग, पेशेंस रखेंगे, ठीक है। मुस्कान यस सर, चलो ठीक है, थोड़ा सा बस बचा है। कृष्ण बंसल यस सर, हम लोग का लास्ट जो पॉइंट है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या आप लोग का लास्ट जो पॉइंट है, अनिल कुमार आशीष जी, ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले जो लास्ट पॉइंट है वो ट्यूब फिट है, ठीक है, क्या है, कविता यस सर, देखो थोड़ा सा और देख लो आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो देखिए आप लोग का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्यूब फिट, ठीक है, तो ट्यूब फिट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसमें एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। ये जो टॉपिक है आप लोग का ट्यूब फिट, वो आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए शॉर्ट नोट्स में। सतीश वंदना कविता यस सर, देखिए ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे ना, किसको, ट्यूब फिट को, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, किसके बारे में, ट्यूब फिट के बारे में, लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। संदीप यस सर, चलो अब कमेंट कोई नहीं करेगा ना, लोग ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ट्यूब फिट क्या होता है वो आप लोग बताने का मैं प्रयास करूंगा। यह भाग लेटरल केनाल के ऊपर में एक शंकुआकार भाग होता है, शंकु मतलब शंख जैसे, कुछ इस प्रकार का संरचना आप लोग का होता है, क्या आप लोग का, ट्यूब फिट ऐसा होता है संरचना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब फिट कहते हैं। तो कैसा होता है, शंकुआकार शंख जैसे कुछ संरचना होता है, ठीक है, इसे हम ट्यूब फिट कहते हैं, जो रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन मतलब क्या, श्वसन में सहायता करता है, किसमें, श्वसन में सहायता करता है। संगीता यादव यस सर, चलो कमेंट नहीं करोगे अब, ठीक है, तो हम लोग क्या बताया आप लोग को मैं, कि जो आप लोग का ट्यूब फिट होता है वो किसमें सहायता करता है, श्वसन में, ठीक है, और कैसा संरचना होता है, शंकुआकार संरचना होता है, ठीक है। तो देखो एम्पुला, ठीक है, एम्पुला क्या होता है, देखो पहला तो हम लोग क्या बताया आप लोग को मैं, कि जो ये क्या करता है, रिस्पायरेशन में सहायता करता है, मतलब श्वसन में क्या करता है, सहायता करता है, कौन आप लोग का, ट्यूब फिट, ठीक है, क्या करता है, श्वसन में, या मतलब या जगह पर क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए था, ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखें कि शंकुआकार भाग होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है, रिस्पायरेशन में सहायता करता है। तो देखिए पहला जो, दूसरा पोडियम, और तीसरा क्या होता है, सकर। तो एम्पुला क्या होता है, देखो यह ट्यूब फिट का सबसे ऊपरी भाग होता है, तो ऐसे आप लोग का एम्पुला होता है, मैं देखो बना दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, तो ये आप लोग का एम्पुला,
तो ये सबसे ऊपरी भाग है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए पोडियम, यह ट्यूब फिट का मध्य भाग होता है, तो जो मध्य भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोडियम कहते हैं। और जो अंतिम भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सकर, ठीक है, क्या बोलते हैं, निचला भाग होता है, क्या निचला भाग। चलो हम लोग डायग्राम से देखते हैं ना, तो आप लोग को समझ में आएगा कि ट्यूब फिट क्या होता है एक्चुअल में। तो यह आप लोग का डायग्राम हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये रहा आप लोग का डायग्राम, ठीक है। थोड़ा मैं जूम करूँ क्या, ये देखिए एक ट्यूब फिट लिखा हुआ है यहाँ पर, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और ये जो गुब्बारा जैसे आप लोगों को संरचना दिख रहा है ना बहुत सारा, यही क्या है आप लोग का, ट्यूब फिट है। तो जिसमें से सबसे ऊपरी भाग होता है ना, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्लियर, ठीक है। देखो यहाँ पर इसे सबसे ऊपरी भाग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला कहते हैं। और जो इसका मध्य भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोडियम कहते हैं। और जो सबसे जो निचला भाग होता है यहाँ को, मतलब यहाँ को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकर। और सभी को मिला के हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, ट्यूब फिट कहते हैं। क्या आपको क्लियर हुआ ट्यूब फिट क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये श्वसन में सहायता प्रदान करता है। क्या कहता है आप लोग का, रिस्पायरेशन में सहायता प्रदान करता है, मतलब श्वसन में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो पांच नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में भी आता है। ओके क्लियर, एक बार आप लोग बताएंगे कमेंट करके जल्दी से। फिर हम लोग लास्ट देखेंगे फंक्शन ऑफ, क्या हम लोग देखेंगे, फंक्शन ऑफ आप लोग का वाटर वेस्कुलर सिस्टम। राजवीर यस सर, संदीप, संगीता यादव यस सर, संदीप यस सर, सतीश यस सर, चलो ठीक है। देखो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, मतलब जल संवहन तंत्र के क्या 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 होते हैं, फंक्शन होते हैं, मतलब कार्य होते हैं, ठीक है। तो आप लोग का सिर्फ तीन पॉइंट है इसका कार्य, उसको हम लोग देख लेते हैं, वंदना, आशीष, अनिल, राजवीर, ठीक है, कविता, मुस्कान, जी सर। देखो आप लोग का सिर्फ तीन पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ, फंक्शन फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो देखिए आप लोग बस बहुत, चलो बहुत आप लोग धैर्य रखें, पेशेंस, बहुत अच्छा लगा जानकर आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो भोज्य पदार्थ, ठीक है, पहला फंक्शन क्या है इसका, भोज्य पदार्थ मतलब जो फूड मटेरियल होते हैं ना, उसको ग्रहण करने का कार्य करता है कौन आप लोग का, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, उसमें क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। सतीश, संदीप, चलो ठीक है, कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि ये जो आप लोग का पहला फंक्शन है किसका, जल संवहन तंत्र का या वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, वो क्या है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, कौन आप लोग का, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसके लिए एक दाब उत्पन्न होता है। यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग नहीं दिख रहा है ना, ये देखो नीचे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है आप लोग का, एक दाब उत्पन्न होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक दाब कहते हैं, हाइड्रोलिटिक दाब कहते हैं, आप लोगों को मैं पहले ही ऊपर बता चुका हूं क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक दाब कहते हैं। तो पहला इसका कार्य क्या हो गया, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने में ये क्या करता है, सहायता करता है, कौन, जल संवहन तंत्र या वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। संगीता यादव यस सर, चलो ठीक है। फिर देखो दूसरा क्या आप लोग का, ट्यूब फिट श्वसन में सहायता करता है, जैसे कि आप लोगों को बताया कि जो ट्यूब फिट होता है ना, क्या आप लोग का, ट्यूब फिट जो क्या होता है आपका, गुब्बारा जैसा जो संरचना होती है वो क्या होता है आपका, श्वसन मतलब रिस्पायरेशन में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक है। अगला देखो तीसरा क्या है, स्टोन केनाल, ठीक है। तो अगला क्या इसका फंक्शन है, स्टोन केनाल में असंख्य सिलिया पाए जाते हैं जो प्रचलन, प्रचलन मतलब लोकोमोशन में, मतलब गति करने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, सहायक होते हैं। काजल साहू जी सर, संगीता यस सर, चलो ठीक है। तो ये था आप लोग का टॉपिक, कोई अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई डाउट है कहीं पर क्या, इसका मुख्य कार्य क्या है, फूड मटेरियल को ग्रहण करने में, दूसरा क्या है, श्वसन में, तीसरा क्या है, प्रचलन में। तो तीन ही ये काम करता है मुख्य रूप से, कौन आप लोग का, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और इस प्रकार से जो टॉपिक था आप लोग का, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टार फिश, यही समाप्त होता है। राजवीर नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है ना, चलो ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का जो टॉपिक था यही समाप्त होता है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। तो लाइक देख रहे हैं 15 लोग लेकिन लाइक किए हैं 13 लोग, चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग का देखो एक घंटा होने वाला है वीडियो, ठीक है, तो एक घंटा हो ही चुका है आप लोग का, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सर, चलो ठीक है, थैंक यू।